हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आज है 17 तारीख है। आज कथा का छठवां दिन है आज, और थोड़ा सा घबराहट भी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मैं जिस हिसाब से अभी भीड़ को देख पा रहा हूँ, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से तो मैं आपको उतनी ही जानकारी कवर कर पाऊंगा जितनी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस और ऐसा प्रतीत सा हो रहा है कि आज का जो जन सैलाब है वो मैंने मेरे जीवन काल में इसके पहले उज्जैन महाकुंभ में देखा था। उस महाकुंभ के बाद में ये छोटा सा बैतूल का जो कुंभ भराया है बाबा भोलेनाथ के ही सानिध्य में, श्री प्रदीप जी मिश्रा के उद्बोधन के साथ में, तो ये आज बैतूल में भराया। अब मैं आपको झलकी दिखाता हूँ, आप देखें, और जितना होगा कवर मैं आपको पूरा कवर करके बताऊँगा आज। अभी बजा है सुबह का 11:30, और आप भीड़ देख लें कि 11:30 बजे जो भीड़ है, 11:30 बजे जो भीड़ है वो देख लें। सारे कार्यकर्ता सुबह से लगे हुए हैं। ये जो भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंडाल में जो है पूरा पंडाल अभी से ही भर गया है। किधर गया पंडाल? हाँ, देख पा रहे होंगे आप, पंडाल के बाहर आ चुके हैं। इतनी भीड़ हमें अभी ही मिल गई है, और भक्तों के आने का फ्लो भी कम से कम 50 फीट मोटा है लगभग, जैसे पानी का फ्लो होता है वैसा। ये प्रजापति वाले जो चौराहा है फैब्रिकेशन वर्क का, यहाँ पे आज भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है गंजा खाड़ा समिति के द्वारा से। जिड़ी महाप्रसाद और गन्ने का रस वितरित किया जा रहा है आने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए। अब चलते हैं अपन उस वाले रोड पर, और उधर उस तरफ से चलते हैं पंडाल की तरफ से, भीड़ देखते हैं, चलते हैं आज कितनी भीड़ है। ये आ गए हम आ चुके हैं पंडाल के करीब, और देखें जनसैलाब कहाँ पर बैठना चालू कर रहा है। इतना स्पीड से आ रहा है जनसैलाब अपनी जगहों का निर्धारण करने के लिए। मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस फ्लो से आ रहे हैं लोग। कल आप लोगों ने देखा बहुत अधिक संख्या थी। मैं समिति के, प्रशासन के, शासन के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। पब्लिक आते ही जा रही है, आए हुए श्रद्धालुओं को आप लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से, सेकंड लास्ट डे है, कल कथा का समापन होगा, कल कथा सुबह 9 बजे से है, तो आज जो भक्तों को धूप खुली हुई है तो भक्तों को जितनों को लगा कि आज जाना चाहिए तो कल की तुलना में और बढ़ गए। आज का आंकड़ा 3-4 लाख से ज़्यादा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी दो मत की बात नहीं है कि आज का आंकड़ा कल के जनसैलाब की तुलना में डबल भी हो सकता है। अभी का समय है 12:15 है, और हम कथा पंडाल के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा डूम या एंड होता है 650 फीट का, और भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या पूरी फुल हाउस फुल। हर व्यक्ति चाहता है मैं डूम में बैठूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं बाबा जी के दर्शन करूं, लेकिन क्या करें, सब एक समान है, सब शिव के लिए एक समान है। अब हम अंदर चलते हैं और अंदर की स्थिति का जायजा देते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक अपनी तैनाती पर लगे हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, चयन करते हुए बड़ी घबराहट और हबराहट में है। हमारे स्वयं सेवक सुबह से लगे हुए हैं, सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, मुस्तैदी में लगे हुए हैं, सभी के सेवा का ध्यान कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ख्याल करा जा रहा है। आज ही हमारी भी परीक्षा का असली विषय है, स्वयं सेवकों की परीक्षा का असली विषय है कि सभी प्रकार का मैनेजमेंट स्वतः रूप से हो सके। सभी सेवादार सुबह 8 बजे से अपनी ड्यूटी पर बरकरार रहते हुए, बच्चे, युवा वर्ग, छोटी उम्र के बच्चे, सभी लोग अपनी सेवा में तैनात हैं। जिनसे जो बन पा रहा है वो कार्य कर रहा है। माताएं, बहनें, दीदी, श्रद्धालु भक्त सभी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। वासी
बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इन्होंने जरूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करे हैं कि प्रभु ने इनको इस सेवा करने का अवसर दिया है। ये तो वही विद्वान लोग समझ सकते हैं कि किसी और को ना चुनते हुए भगवान शिव ने हमें क्यों चुना इस सेवा के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विषय है, एक बहुत ही खुशनुमा विषय है कि हम इस पर अपना गर्व कर सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं। फिर भी परेशान न करें हर बार आने जाने के लिए किसी प्रकार से। सुबह से हमारे सेवा दल की टीम लगी हुई है, सुबह 8 बजे से बहुत ही मेहनत मजदूरी से काम कर रही है, बहुत ही मेहनत कर रही है। हर व्यक्ति हर वर्ग का युवा लगा हुआ है, मेरे भाइयों को सभी को धन्यवाद जो ये सब सेवा में लगे हुए हैं, इस प्रभु भक्ति में सबका सहयोग शामिल है। किसी प्रकार का कोई VIP नहीं है यहाँ, इस शिव के सामने सभी एक जैसे हैं। जहाँ देखेंगे एक अना की स्वभाव देखने को मिलेगा आपको, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी सेवा करना है। जब मन में भक्ति का भाव आ जाता है तब आदमी भक्ति करने लग जाता है, उसके लिए कोई स्थिति समय की आवश्यकता नहीं है। छठवा दिवस 17 तारीख एक सर्विसमैन क्लास की महिलाएं धर्मपत्नी है, अपनी अपनी सेवा का आनंद लेते हुए बहुत ही आनंददायक पल। बहुत ही आनंददायक पल है, सेवा भक्ति दोनों एक साथ कार्यकलाप चल रहा है। छठवें दिवस कथा के छठवें दिवस भी पानी और कीचड़ के कारण यही हालात थे पंडाल में, और श्रद्धालु फिर भी वहीं बैठे थे। किसी की श्रद्धा किसी कीचड़ से कम नहीं होने वाली। ये सब यहीं बैठी है, मेरी माताएं बहने बाहर से आए लोग सभी यहीं बैठे होते हैं, जिनकी स्थिति है सभी कीचड़ के, कोई कीचड़ से फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में कीचड़ या किसी प्रकार की बुराई कोई आड़े नहीं आएगी। जिसको जहाँ जगह मिल जा रही है वो उसी स्थान पर बैठ जा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है पंडाल की, बहुत बुरी स्थिति है पंडाल की, पर पंडाल जो है फिर भी खचाखच भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। बैतूल शहर में महिलाएं बाबा जी की कथा सुनने के लिए, और इन्होंने सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी है। और महिलाएं अकेले नहीं है, इसमें पुरुष भैया भी है, बहुत सारी संख्या में पुरुष भी हैं जो ये कथा के नाम पे अव्यवस्था फैला रहे हैं बैतूल शहर में। महाराज से निवेदन है कि इनको भी थोड़ा ज्ञान दे, कम से कम ये अव्यवस्था तो ना फैलाते रहे यहाँ। अब हम दिखा रहे हैं आपको 3 बजे के आसपास का दृश्य। ये देखिए, जिन्होंने जीवन में कभी 4 फीट का रास्ता कभी उलाका नहीं होगा, वो आज 40 फीट की ये जो पहाड़ी है ना कटिनुमा, ये पहाड़ी को क्रॉस कर रही महिला है। 3 महीने हॉस्पिटल में जाओगे, जिले से ये देखिए महिलाएं जो है सारी हमारी बहुत नारी शक्ति बहुत तेज है, बिल्कुल बिल्कुल देखिए तल्लीनता से लगी हुई है ये, इतनी भीड़ है ये, और सब एक दूसरे के पीछे चल रही हैं। हम प्रार्थना और कामना करेंगे प्रभु से कि इनका किसी का भी पैर ना फिसले बस, और किसी को किसी प्रकार की चोट और हानि ना हो। महाशिव महापुराण छोटा कुंभ मेला समय 3 बजे जगह कथा स्थल शिवधाम 4 लेन कोसमी आयोजन श्री प्रदीप जी मिश्रा की कथा का छठवां दिवस, और दिनांक है आज की 17 दिसंबर 2022। देखें भैया उजाला हुजूम, देखें भीड़ का, सिर्फ आने का सेक्शन ज़्यादा है, जाने वालों का सेक्शन कम है। अभी कथा को 1 आवर्स और बचा है, और जब तक की भीड़ है ये, इतनी भीड़ है आज की भीड़ हम आपको दिखा पा रहा हूँ। थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं तो आपको भी मज़ा आएगा देखने पे। पूरा 4 लेन का जो स्पीड है ना भैया, सामने चढ़ जा रहे लंबे वाले, पीछे चल
ये जो स्पीड है ना, देखिए गाड़ियों का स्पीड तक कम कर दिया है कि दीदी लोग जगह नहीं मिली तो यहीं बैठी हैं। हर हर महादेव दीदी, दादा हर हर महादेव। जिसको जहाँ भक्ति भाव से जरूरत पड़ी वो वहीं बैठ गया। कोई किसी प्रकार का वीआईपी जोन और वीआईपी कल्चर नहीं था या नहीं चाहिए था इन लोगों को। ये सच्चे सेवा कैसे भी किए, बच्चे बड़े, माताजी, भाभी जी, दीदी, सभी प्रकार के लोग आए हुए हैं और भीड़ का क्रम बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे हम पंडाल की ओर नज़दीक बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे तेज होते जा रहे हैं। अब मुझे सिर्फ दिख रहा है, सिर्फ सामने की एक लाइन में जो आदमी आ रहा है वही दिख रहा है, पीछे वाले के सिर दिख रहा है बस, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाँव से आने वाली टोलियाँ, मोहल्ले से आने वाली टोलियाँ भी यहीं बैठी हुई हैं लाइन से, सब कथा श्रवण करने में लगे। अपने साथ प्रसाद लेके जो आए थे वो रोड पर ही भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये कितने का लिया? ला दिखा रहा जरा बेटा शिव का गण। अरे वाह यार, शाबाश, वो तो शिव का गण दिख रहा है, बहुत शानदार। उस तरफ दूसरी लेन में गाड़ियों की संख्या भी दिख रही होगी, टू व्हीलरों की, और इस तरफ नीचे बैठे हुए लोग, बाजू में चलते हुए आते जाते हुए लोग। केला प्रसाद का देखिए, केला प्रसाद का जो निष्पादन रोड पे इस तरीके से किया गया है। कुछ वीआईपी गाड़ी जा रही है, क्यों भैया कौन से वीआईपी हो आप, इतनी भीड़ में गाड़ी ले जा रहे हैं? कोई वीआईपी नहीं है। ये देखो भीड़, अब दिखाता हूँ भीड़। ये मुख्य द्वार आ चुका है, ये है पंडाल, यहाँ तक खड़े लोग, मतलब आप अंदर भी नहीं जा पाएंगे, इतनी भीड़। सीधे हाथ पर सामने की तरफ और उल्टे हाथ पर जो दिख रहा है वो पीछे की तरफ का व्यू है। आरएसएस स्वयं सेवक संघ अपनी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी और अनुशासन को निभाता हुआ बिना टकराए चल ही नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके की स्थिति, या तो कोई सामने से टकराएगा या कोई पीछे से टकराएगा, ये स्थितियाँ हैं। पूरे गांव की महिलाएं मंडल में बैठी हुई हैं सारी, पूरे दादाजी पुरुष समाज भी बैठा हुआ है, सारा का सारा है। पूरा बैतूल जिला, गांव कस्बों सहित आज बाबा जी की कथा सुनने के लिए आया हुआ है।
यहाँ तक भीड़ है। यह है मुख्य द्वार के बाजू में एक नया द्वार बना है, जहाँ से चिकित्सा और प्रशासन का, ये उस द्वार की स्थिति है। यहाँ तक खड़े हैं लोग पंडाल से बाहर, और उस तरफ तो आप देखी पा रहे होंगे आगे जो, चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। चलो इधर 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 उधर नहीं जाना, पागल है क्या? उधर जाना गलती साबित होगी, अंदर जाना अभी, क्योंकि समय हो गया है छूटने का तथा के समापन का। ये देखिए सारी फायर ब्रिगेड्स गाड़ियाँ बाहर खड़ी करनी पड़ी हमें, समिति को बहुत 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 व्यवस्थाएं करनी पड़ी भोलेनाथ के श्रद्धालुओं के लिए, जो कि वाकई में एक सराहनीय कार्य था। साथ में रहना चाहिए, पूरे फोर लेन पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ दिखेगी। ये देखिए भाई पंडाल कहाँ खत्म हो रहा है, पंडाल कहाँ खत्म हो रहा है और भीड़ कहाँ तक है। फायर ब्रिगेड पर बैठ के भी कथा का आनंद लिया जा रहा है। ये बहुत भक्ति है, सब लोग खड़े हो गए। एक आवाज पे सभी लोगों ने ताली बजा दी। युवा वर्ग भी पीछे नहीं है बाबा की भक्ति में, क्योंकि बाबा हमारा है ही इतने भोले, बच्चे भी पीछे नहीं है। छठवें दिन आज सारे रिकॉर्ड टूट गए, भक्तों के भी श्रद्धालुओं के भी सेवा करने वाले थे। अथाह जनसैलाब, 3 से 4 लाख की पब्लिक का अनुमान, डूम के बाहर तक भक्तों का जमावड़ा और बिल्कुल शांति से कथा श्रवण करते हुए। दोस्तों ये है शगुन रेसिडेंसी वाला जो गेट है उसके बाजू से जो दो मुख्य द्वार बनाए गए थे, वो एक सामने बना हुआ है बाजू से, और पंडाल लगा हुआ है वहाँ पीछे। अभी जैसे देख पा रहा हूँ वहाँ पीछे लगा हुआ है पंडाल सामने, और उसके सामने ये पार्किंग की स्थिति है कथा के छठवें दिवस। ये पार्किंग है देखिए, कल जो आपको पांचवें दिवस की पार्किंग गई थी आज उससे और ज़्यादा बढ़ गई है। ये पार्किंग है, और अब कथा छूटने वाली है और पब्लिक का जाना का क्रम जो है वो प्रारंभ हो चुका है। 3:30 बजे का दृश्य ये, और कथा की अभी आरती हुई नहीं है, बस होने वाली है, और उसके पहले ये लोगों का जाना का क्रम चालू है। ये देख लीजिए, मैं आपको यहीं से व्यू दिखा पाऊंगा क्योंकि मोबाइल उतनी भीड़ में लेके जाऊंगा तो शायद कहीं भीड़ में टकरा के गिर जाए, मेरा भी नुकसान हो, किसी और का भी नुकसान हो, ये सही नहीं होगा। जैसी जगह मिलेगी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके फिर और बताऊंगा। ये देखिए आप थोड़ा सा दिख पा रहे होंगे आपको, ये है पंडाल के बाहर तक की भीड़। जहाँ जगह मिल रही आदमी वहाँ चढ़ जाए। महाराज जी सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, ध्यान से सुने। कितना मजा आता अति पूर्व भोजनशाला में जाते हुए पब्लिक, भीड़ 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 भीड़, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ पाने जा रहे हैं, कुछ पाकर आ रहे हैं, सबका अलग अलग समय नीति निर्धारण था। कुछ लोग सीधे बाहर की ओर जा रहे हैं उस तरफ से, कुछ लोग खेत में मजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुन रहे थे। जहाँ भी है जितनी भी कैंटीन है चाय की, कैंटीन में बजाने का कष्ट करें। देखिए आप भोजनशाला का दृश्य दिखाते हैं आपको, चलो भाई चलो 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 चलो। ये देखो कल से ज्यादा भीड़ है आज,
आज ज्यादा लोग प्रसाद पाएंगे। डीजे भी आ गया हमारा। चलो इधर माता जी, इधर से निकलो ना एक तरफ से। मोहन सप्लाई जो कर रहे हैं।